हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीराम कोचिंग क्लासेस। तो अब इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे क्या, हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि काफी स्माइल है चेहरे पर, तो स्माइल का जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है आप लोगों को। आप मानेंगे नहीं, अभी रात के 10:15 बज चुके हैं और मैं इस टाइम भी वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे अच्छे से कमेंट मिलते हैं ना। एक वीडियो बनाने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलती है आपके कमेंट्स देख के, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सच बताऊंगा तो इतने टाइम पर ही मेरा मन किया बनाने का, तो मैं बनाना स्टार्ट हो गया। मैंने कमेंट पढ़े और मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और मुझे और मोटिवेट करते चलिए। तो मैं होप करता हूं कि आपको बैलेंसिंग वाली क्वेश्चन अच्छे से समझ आई होगी। मैंने उसमें इतना सब कुछ बताने की कोशिश करी है ना, कि आप कोई भी वीडियो में कहीं भी कुछ भी लिख लीजिए, कोई भी कहीं से किसी वीडियो से किसी पेज से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में गारंटी से बोल सकता हूँ सोल्व कर सकते हैं। कोई भी जो एलिमेंट्री और बताई थी ना आपको, वो लगाएंगे और खत्म इक्वेशन सॉल्व होगी हर इक्वेशन। तो अब जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो इसी का था, बस एक चार पॉइंट की मुझे बात बतानी है और बात ही खत्म हो गई इक्वेशन की। बस छोटी सी बात रह गई है, वो क्या है कि कभी कभी ना हमने इक्वेशन लिख दी, मैंने बताया शॉर्ट हैंड मेथड कहते हैं इसको। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है इक्वेशन को ना, या देखो इतनी बड़ी इक्वेशन होती है कोई भी बड़ी, तो उसमें अपना हर इन्फॉर्मेशन की कोशिश करते हैं। तो हमने शॉर्टकट बनाया, क्या सिंबल बना लो उनकी जगह सिंबल बना लिए। अब क्या किया गया, धीरे धीरे ना हमने पाया कि यार अगर मैं बता सकूं किसी चीज की फिजिकल स्टेट, बता सकूं उस रिएक्शन के अंदर फिजिकल स्टेट, बता सकूं केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो जो हमारी जो इक्वेशन है ना वो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होती चलेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ सिंबल्स बना लिए चीजों के लिए। जैसे कि सॉलिड के लिए मैंने एस ले लिया, लिक्विड के लिए एल ले लिया, ये सब स्मॉल में है। गैसेस के लिए जी ले लिया, एक्वस के लिए एक्यू ले लिया। अब आप पूछेंगे सर ये एक्यू क्या होता है, आईक्यू तो सुना था, एक्यू क्या होता है? अब देखिए एक्यू क्या होता है, इसका मतलब है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है समथिंग इन वॉटर। जैसे कि मैं बोलूं कि कोई एसिड है, जैसे मान लीजिए HCl है, HCl क्या मैं लिखूंगा AQ, ब्रैकेट बना के AQ। इसका मतलब क्या है कि जो HCl डाला गया है ना उसके अंदर सॉल्वेंट या कुछ भी समझिए, वो HCl जो बना है ना वो पानी के अंदर बना हुआ है, तो उसको मैं लिखूंगा क्या AQ। ठीक है, तो चलिए इसको और ज्यादा मैंने अच्छे समझाने के लिए एक इक्वेशन भी ले लिया है यहाँ पर, क्या जिंक प्लस H2SO4 और बना रहा है ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए इस इक्वेशन अंदर क्या क्या है, मैंने बोला S यानी सॉलिड, तो देखिए सॉलिड फॉर्म मैंने बताया जिंक की सॉलिड फॉर्म ये रही। अगला वाला क्या है, एक H2SO4, ठीक है H2SO4 के लिए मैंने क्या लिया, ये क्या है मेरा एक्वस फॉर्म है, यानी कि पानी के अंदर बना हुआ है, पानी से मिलकर बना, पानी डाला हुआ है इसके अंदर, तो पानी के अंदर है, तो मैंने क्या लिखा है AQ इसके साथ में। अगला वाला मेरे क्या है ZnSO4, देखो यहां पर आ गया। अब ये क्या है, कुछ रिएक्शन इसके अंदर क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट या कुछ हुआ, हमने क्या देखना है कि देखिए मैंने यहां पर AQ दिखाया है सजेस्ट करने के लिए, उसके बाद मैंने क्या बोला H2 मतलब कि गैस, गैस के लगाया मैंने जी। तो ऐसे होता है कोई इक्वेशन को दिखाने के लिए फिजिकल स्टेट के लिए। अब कभी कभार क्या होता है कि आपको ना कंसंट्रेशन भी बतानी पड़ सकती है कि भाई वो कितना कंसंट्रेटेड था, कि डाइल्यूटेड था, कि क्या था। वो जो मैं आपको पहले वीडियो में बताया था ना कंसंट्रेटेड बनाना, डाइल्यूट करना, तो वही है। अगर कोई चीज डाइल्यूटेड है तो उसके अगर साथ में एसिड के लिए, एसिड के लिए यूज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमने फिजिकल स्टेट बता दी, अब बताने की कंसंट्रेशन क्या है कि भाई वो डाइल्यूटेड है कंसंट्रेटेड है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हल्का सिंबल हम लिए DIL डाइल्यूटेड है भाई ये वाली चीज, CONC ये चीज बहुत कंसंट्रेटेड लिया हुआ है, तो मैंने इस इक्वेशन में डाइल्यूटेड H2SO4 लिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया भाई डाइल्यूटेड H2SO4 खत्म। अब कभी कभार क्या होता है, हमने एक साइन यूज करते हैं अप का और डाउन का, इनका मतलब क्या होता है, एक साइन होता है अप वाला, इसका मतलब होता है क्या कि वो चीज गैसियस फॉर्म में गैस बन के उड़ गई, ठीक है ये होता है अप। जैसे मैं यहां लगा दूं कि भाई मान लो गैस बनी और ये उड़ गई ऊपर हवा में निकल के, एक साइन होता है ऐसे ही उसका उल्टा बिल्कुल डाउन फॉर्म है, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। आपको पता है तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, नहीं पता तो आपको बता दूं प्रेसिपिटेट क्या होता है, कुछ भी रिएक्शन के अंदर जो कि इनसॉल्यूबल, कोई भी इनसॉल्यूबल चीज जो बनती है, कुछ भी जैसे कुछ बना लिया कोई भी रिएक्शन के अंदर इनसॉल्यूबल कोई फॉर्म बनी, वो क्या होगी उस सॉल्यूशन का सॉल्यूबलाइज नहीं होगी, ऊपर रह जाएगी कुछ भी पैलेट है किसी भी फॉर्म के अंदर रह जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है चलिए अब मैं आगे के दो और बताता हूं आपको। ठीक, तो देखिए अब जो थर्ड वाला मेरे पास पॉइंट है वो क्या है, हीट। हीट का मतलब को पता है, कोई भी एनर्जी या किसी चीज की फॉर्म, गर्माहट। तो देखिए हीट, जैसे मैं बताऊंगा किसी रिएक्शन के अंदर हीट तो उसके अंदर क्या रोल प्ले हो रहा है, तो हीट के बेसिस मैंने क्वेश्चन को दो तरफ से बांटा है, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक, दो तरह की मैंने हीट फॉर्म बताई यहां पर। ठीक है मैं आपको ना आसान वे में बिल्कुल चिलैक्स वे में दोनों का मतलब बताता हूं। देखो एक्सो, एक्सो मतलब क्या होता है कि एग्जिट, भाई बाहर निकलो एग्जिट, देखा ना सीमा पर लिखा रहता है एग्जिट का निशान होता है और लाल चमकता रहता है भाई और ना कैसे यहां बाहर निकलिए, एक्सो मीन्स एग्जिट, बाहर निकलो एग्जिट।
थर्मिक मतलब क्या होता है, थर्मामीटर से आप याद रखिए, थर्म मतलब क्या होता है, हीट के लिए लेते हैं हमेशा, हीट, हीट का बाहर जाने वाला रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही उल्टा रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक, यानी कि एंडो मतलब क्या, अंदर, अंदर आने वाला, जिसके अंदर हीट को आपको देना पड़ेगा, अंदर लिएगा वो हीट को। तो ऐसे रिएक्शन के अंदर हीट को लिया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब ना मैं आपको थोड़े से एक एग्जांपल देता हूं, जिससे आप समझ सके कि भाई हीट निकलती है सर पर किस फॉर्म में निकलती है, कैसे निकलती है। क्या कुछ जैसे 5 रुपए का सिक्का आता है कि लो ये हीट आपकी थी, मेहनत होगी, रिएक्शन है, ये ले लो, कि होता क्या है वो मैं दिखाता हूं जरा। मैंने आपके लिए रिएक्शन लिखी बहुत सिंपल वाली, इसके अंदर मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि कार्बन, कार्बन को आप जब बर्न कर रहे हैं, बर्न, आग लगा रहे हैं कार्बन के अंदर, तो मैंने बताया जब एयर के अंदर आप कभी किसी को हीट करें या कुछ भी करें, मतलब आग लगा रहे हैं उसके अंदर, तो आप क्या कर रहे हैं, जब वो जलेगा तो उसका, मैंने बताया था क्या मैंगनीज़ वाला रिएक्शन, उसका ऑक्साइड बनता है। उधर क्या बना, ऐसा ऑक्साइड बना, इसके अंदर दो ऑक्सीजन, तो उसका क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, पर दो ऑक्सीजन वाला, अलॉन्ग विद हीट उसका बाहर निकली। देखो हीट मैंने बाहर निकाल लिया, तो आपने खुद ही देखा होगा जब कभी आप कोयले को जलाते हैं, कार्बन क्या है, किसी कोयले का फॉर्म है, जब कभी आप कोयले को जलाते हैं, देखा ना गर्मियों में लकड़ी हो या कुछ हो, कोयला लोग जलाते हैं हाथ सेकते हैं ठंड में, गर्मियों में ठंड के अंदर, तो हम क्या देखते हैं, हाथ सेकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें हीट बाहर निकलती है। तो वही वाला रिएक्शन क्या है जो कि हीट को बाहर रिलीज करता है, वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन आपने देखा होगा जिसके अंदर बीकर गर्म हो जाता है, इतनी ज्यादा हीट निकलती है बीकर गर्म हो जाता है, बीकर के अंदर आप कर रहे होंगे ना, तो बीकर गर्म हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं, एक्सोथर्मिक, भाई हीट बाहर निकलती है उनमें से, वो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी कॉनिकल वेसल है, आप इसमें कोई रिएक्शन कर रहे थे, को निकल क्या क्या ही बना डाला, चलिए कोई बात नहीं, तो छुएंगे इसको, तो टच करेंगे, ये मेरे थोड़ी सी ड्रॉइंग के लिए माफ कीजिएगा, तो हाथ आप टच करेंगे आपको बहुत ही ना गर्म गर्म लगेगा, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है, ठीक है। अब मेरे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए एनसीईआरटी के अंदर, और कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए दिया, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस नाम लेके छोड़ दूंगा। देखिए क्या, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब आप नेचुरल गैस को जलाएंगे ना, नेचुरल गैस मीन्स उसे मिथेन, CH4, कौन सी गैस, मिथेन, जब आप इसको मिथेन को CH4, जब आप मिथेन को जलाएंगे नेचुरल गैस को, तो क्या होगा, हीट बाहर आएगी, तो हीट से आप में काम कर लेते हैं, नेचुरल गैस को इसीलिए जलाते हैं, कुछ एनर्जी निकलती है उसमें से, ठीक है। अगला वाले क्या, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, मैंने बैलेंसिंग में भी रेस्पिरेशन की इक्वेशन दी थी आपको, पता हो तो मैंने दी थी, आप सोच के बताइए मैंने कौन सी इक्वेशन दी थी, उसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन अंदर क्या होता है, आप खाने से एनर्जी बनाते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी बनती है, तो वो भी क्या हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला वाला क्या, रॉटनिंग ऑफ वेजिटेबल, रॉटिंग मतलब होता है सड़ना, किसी भी चीज का सड़ना, तो जब कोई वेजिटेबल सड़ते हैं ना, आप मान लीजिए बहुत गंदे सड़ रहे हैं वेजिटेबल, आप जरा महसूस कीजिएगा थोड़ी ना, देखो साइंस क्या है, महसूस करना। एक बार मैंने किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर साइंस होती क्या, तो मैंने उसको एक बार बड़ा अच्छा आंसर दिया था कि कभी कभी निकल जाती है ऐसी बात है, कि मैंने उसको बताया कि किसी क्यूरियोसिटी का जवाब ढूंढना, ये है साइंस। तो आप खुद समझिए इस बात को, थोड़ा गहरा मतलब था उस टाइम पे इस बात का, आप आज भी अगर आप समझने की कोशिश करें, तो उसके अंदर मैंने क्या बताया, रॉटनिंग ऑफ वेजिटेबल, जब वेजिटेबल सड़ रहे हैं ना, कुछ वैसे आलू वालू कुछ भी सड़ रहा है, आप हाथ पाएंगे उनके आसपास, आप क्या पाएंगे, हल्की सी गर्माहट आपको दिखेगी, महसूस होगी खुद ही। तो आप क्या पा रहे हैं, जब कोई चीज सड़ती है ना, तो भी एनर्जी निकलती है उसमें से, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपको बताया मैंने, अब मैं आपको बताता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, ये भी बिल्कुल उल्टा, जैसे मैंने आपको एक्सोथर्मिक बताया ऐसे एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के बारे में आप ले लीजिए कोई एग्जांपल, जैसे कि इसके अंदर हीट आपको अंदर देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ रही है, ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए नाइट्रोजन लिया आपने, साथ में आपने क्या लिया, मान लीजिए ऑक्सीजन ले लिया, अब आप क्या कर रहे हैं, आपको इसमें हीट देनी पड़ेगी, चलिए मैं रिएक्शन में दे देता हूं, आपको यहां पर हीट देनी पड़ी, थोड़ी सी हीट देनी पड़ी, और आपको क्या मिल गया, यहां पर क्या मिलेगा आपको, NO2 मिल गया आपको। तो इसमें क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट देनी पड़ती, वो रिएक्शन क्या होती है आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बस चलिए अब एक पॉइंट और आता है, चौथे वाला लास्ट वाला, तभी एक बार क्या रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शन आपको एडिटिव इन चीजें देनी पड़ती है, जैसे कि क्या आपने कितना उसके अंदर प्रेशर दिया, आप बता देते हैं भाई हमने इसमें इतना प्रेशर दिया, जैसे हैवेल्स पर सदर किसी के अंदर भी आप बोलेंगे जी हमने 200 एटॉमिक प्रेशर दिया था उसके अंदर, या अगले कोई टॉपिक बोलता है कि आपने उसके अंदर कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया था, आप बता देंगे जी मैंने इसके अंदर मान लीजिए 500 सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो जाके रिएक्शन हुआ, यही एरो पर आता है सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगला बता देंगे जी कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए आपने क्या दिया, मान लीजिए सनलाइट दे दी, तो आप सनलाइट शो कर देंगे यहां पर, इसी एरो के ऊपर यहां पर सनलाइट लिख देंगे। एक और चीज आती है लास्ट वाली, क्या होता है कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट क्या होते हैं? देखिए कैटलिस्ट बिल्कुल मेरी तरह है। देखिए कोई भी टीचर या कोई इन्फॉर्मर जो कि आपको किसी भी, ये जब मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूं ना, ये मुझको एक बार मेरे टीचर ने मुझको बोली थी, जब से मुझकी बात याद हुई आप समझिएगा, शायद आपको मेरे नाम से याद रहेगी कभी। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कोई ऐसे पार्टिकल या बायो एंजाइम, एंजाइम चाहे भूल जाए चलेगी वर्ड ना समझ आए तो, क्योंकि मैं रटवाता हूं चीजों को, जो आपको समझ आए वही समझिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट कंपाउंड, कोई भी वो चीज जो कि रिएक्शन करवाती है, आपने जितनी मात्रा में यहां रिएक्टेंट में उतनी मात्रा आपको प्रोडक्ट में वापस मिल गई, यानी कि ना वो टूटी ना उसने कुछ हुआ, वो डिकम्पोज है कुछ भी नहीं हुआ, उसने बस रिएक्शन को फास्ट करवा दिया और जितना आपने दी थी आपको वापस उतनी मिल गई। तो वो चीज क्या होती है? कैटलिस्ट, जो किसी चीज को जल्दी करवाती है विदाउट इन्वॉल्विंग इट। ठीक है, तो ये काम होता है टीचर्स का। टीचर आपको क्या होते हैं? नॉलेज लेने के लिए आपको फैसिलिटेट करते हैं, जल्दी जल्दी करवाते हैं, आपको बतवाते हैं कि भाई ये चीज ऐसा होती है, ऐसा होती है, चीज ऐसा होती है। खुद कभी उसमें उनका कुछ जाता नहीं है, जितने पहले थे उतनी बाद में रहते हैं, बस आपको आगे लेके चले जाते हैं, आपको काम जल्दी करवा देते हैं। ये होते हैं कैटलिस्ट। तो ये चार चीजें हमको चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को बताने के लिए कि भाई इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों क्यों। अब मैं आपको बताऊंगा क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो चलिए अब हम जानेंगे कि रिएक्शन कितने तरीके की होती है। तो इस चैप्टर में हमको बताया गया कि रिएक्शंस के मेजरली पांच टाइप होते हैं। पहला वाला क्या? कंपोजिशन रिएक्शन, यानी बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों का मतलब एक है, कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन। दूसरा वाला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी वाली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये RXN जो है ना शॉर्ट फॉर्म है रिएक्शन के लिए। ठीक है, आप एग्जाम में RXN मत लिखिए, आप बोल लिखिए REC पूरा लिख के आइए। ठीक है, REAC ठीक है पूरा लिखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला वाला क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट वन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। मैं ये चारों रिएक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अभी इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा, और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा स्पेशल टाइम दूंगा क्योंकि थोड़ी सी स्पेशल रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए आते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले रिएक्शन के ऊपर। तो चलिए अब जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो अगर मैं आपके एज का बच्चा हूं तो आपको भी पता है मुझे भी ये सब डेफिनेशन पसंद नहीं होगी कि मैं बोलूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बोरिंग लेसन यार, आपको पसंद नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम मस्ती से सीखेंगे क्या होता है कॉम्बिनेशन। देखो जैसे नेम जैसे कॉम्बिनेशन, कुछ चीज कंबाइन हो रही है। तो देखो जैसे मैं लेता हूं कि ए प्लस बी कोई भी चीज बना रहे, मान लो कि सी कोई नई चीज बना रहे, कोई भी चीज। ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन। कुछ अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलूं तो मैं बोलता हूं कि मानिए फेफड़े, ठीक है, मैं यहां पर लंग्स लेता हूं मैं, ठीक है, साथ में मैं कंबाइन करता हूं किसको, बकरी को, गोट को। तो मैंने अगर फेफड़ों को अगर बकरी के साथ कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा? फेफड़े यानी कि मेरे लंग, गोट मतलब बकरी, तो मेरा क्या बनेगा? लंगोट। तो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, मतलब लंग प्लस गोट प्लस लंगोट। तो काइंड ऑफ यही चीज है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप मानिए क्या, मैंने आपको एक ग्लास दिया, अब आपकी सोच है आपसे बियर भरे के दूध भरे, और आपने यहां पर क्या मिक्स किया, थोड़ी सी आइस क्यूब्स, थोड़ी सी आपने आइस क्यूब्स डाली, तो क्या बन गया भाई? फन हो गया, लाइफ एकदम ढिंचिक ढिंचिक होगी, एकदम लाइफ होगी, एकदम जॉयफुल, ये पार्टी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें क्या बताते हैं, ये क्या होता है कॉम्बिनेशन, किसी दो चीज का कंबाइन होना। अब वो कोई दो चीज कुछ भी हो सकती है, दो एलिमेंट्स हो या दो अलग अलग कंपाउंड्स हो और कुछ नया कंपाउंड मुझको दे दे। तो ऐसी रिएक्शन में मैं क्या बोलता हूं, कॉम्बिनेशन, जिसमें कुछ चीज कंबाइन हो रही है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर मैं कुछ लिटरल एग्जांपल की बात करूं तो आप क्या पाएंगे, जैसे कि CaO प्लस वॉटर विल फॉर्म CaOH2। अगर आपने मेरी बैलेंसिंग वाली वीडियो देखी है तो आपको ये आइडिया होगा कि अगर आपने बैलेंसिंग वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको कुछ बताया था कि इसको कैसे बताया जाता है। मैंने क्या बोला था कि इसका मतलब है OH, OH दो बार है, तो मैंने क्या लिख दिया है OH को ऐसे ट्वाइस करके। ठीक है, आपको पता है। और आपको मैंने ये बताया था कि इस चीज के साथ O लगा तो ऑक्साइड बन जाता है, देखिए होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या मेरे पास वॉटर, ये क्या बना रहा है कैल्शियम OH, बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना है मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हाई ऑक्साइड। ये क्या है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए बुक में बताया गया कुछ क्विक मतलब नाम के बारे में, तो इसका नाम क्या होता है क्विक लाइम। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि बुक में बताया गया है, अगर नहीं बोला होता ना मैं आपको एक्सप्लेन में जबरदस्ती नहीं देता गया ये भी रटो ये भी रटो ये भी रटो, नहीं
या लाइफ ना सॉर्टेड होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वही चाहिए, ज्यादा इन्फॉर्मेशन में दिमाग खराब कर, कहते ना एनीथिंग इन टू एक्सेस कैन स्पॉइल इट्स ड्यूटी। यार साइंस है, साइंस के तरीके से पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना, भाई ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो। तो बस इसका नाम क्या होता है, क्विक लाइम। और ये क्या होता है, इसका नाम होता है कॉमन नेम क्या, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, थोड़ा सा कंसीडर कीजिए, यहां पर थोड़ा सा सीरियस होते हैं इसके अंदर। क्या बताने वाली बात है, जब आपने एक बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड था यहां पर, ठीक है, आपने इसके अंदर पानी धीरे धीरे, पानी बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली एड करेंगे ना पानी को, तो आप क्या पाएंगे धीरे धीरे ये क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। और ये रिएक्शन बहुत विगरस होता है, बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी आपको पानी धीरे धीरे डालना है। और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें अगर आप बीकर छुएंगे ना बहुत हीट निकलेगी। तो ये क्या होता है हमारे पास, क्या एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप। अब अगला वाला, अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, इसी वाले रिएक्शन को आगे लेता हूं, यही वाली चीज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम को लेता हूं, मैं यहां ले देता हूं आपके लिए। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, दो इक्वेशन याद कराऊंगा, बस वो याद रखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में थर्ड इक्वेशन याद ही नहीं करनी, रत्ती भर याद नहीं होगी बिल्कुल। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड में नीचे लिख देता हूं आपके लिए, क्या यही है, मैं सी ए ओ एच, मेरे साथ वीडियो देखते थे नाम बोलते चलिए, क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने लिया, साथ में आपने क्या किया, मान लीजिए आपने ये लिया और CO2 ऐड कर दी, मैं भी बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, ऐड कर लिया, आपके पास क्या बनेगा CaCO3 प्लस वाटर होता है ना, बताइएगा क्या होता है, नहीं वाटर होता है क्या होता है, ठीक है चलिए। तो सवाल हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, कि ये क्या चीज है, वही मैंने लिया क्या, स्लेग लाइन लिया। अब ये रिएक्शन होती है ना वाइट वॉशिंग में यूज करी जाती है, कैसे कि आपने एक चीज को लिया पानी में डाला और आपने बिल्कुल पुट्टी वुट्टी लगा दी, वाइट वॉशिंग करती, ठीक है, जब वाइट वॉशिंग करते हैं तो क्या होता है, आप पाएंगे दो से तीन दिन बाद वो क्या होता है, कमरा एकदम देखेंगे यार मार्बल जैसी फ्रिजी चमकता है, जैसे मार्बल चमकता नहीं है वैसे कोटिंग हो जाती है चमकने की सी। तो अपने क्या देख रहे हैं, जो बाहर लगा हुआ है ना रूम के, जो कि बाहर टच हो रहा है एयर से, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करके क्या बनाता है CaCO3 और थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, मॉइस्चर आता है। ये चीज होती है ना कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए मैंने बोला था यहाँ पर O आ रहा है ऑक्साइड, O2 आ रहा है डाइऑक्साइड, ये क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। तो ये बनता है, ये होता है वाइट वॉशिंग। तो हमारा कंप्लीट हुआ क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हम जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, ये और मजा चीज है, जैसे मैंने आपको बताया ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो चीजें कॉम्बाइन करती हैं और एक नई चीज बना देती हैं, ठीक है, ये उसका उल्टा है, इसमें डिकम्पोजिशन है, कोई एक चीज अगर टूटेगी डिकम्पोज मतलब टूटेगी, स्प्लिट होगी कुछ पार्ट्स के अंदर, वही काम देखते हैं यहां पर। अब देखिए कोई भी चीज को तोड़ना है, मान लीजिए आपको ना एक बंदे को तोड़ना है या छोड़िए आपको अखरोट तोड़ना है, तो अखरोट को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, मतलब देखते ना मूवीज के अंदर ऐसे ना पकड़ा ऐसे चकना चूर कर डाला अखरोट, तो वही काम है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी किसी चीज को तोड़ने के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई दोस्ती है, कुछ भी है, कुछ भी चीज आपको तोड़ना है, तो कुछ एनर्जी नहीं पड़ेगी या दिल पर कुछ भी कि यार तू दूर हट जा, चाटा लगा दूंगा मैं, दूर चाटा मारा दोस्ती फूटी बिल्कुल स्प्रिट ऑफ हो गए। तो कुछ ये काम चलता है यहाँ पर डिकम्पोजिशन के अंदर, तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब कभी भी चीज को तोड़ना है ना, एनर्जी दे रहे हैं, तो इन रिएक्शन के अंदर 10th क्लास में हमको बोला गया है कि तीन तरीके की एनर्जी होती है तोड़ने के लिए किसी चीज को हम दे रहे हैं। क्या सबसे पहला क्या है, देखिए या तो आप सुने इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, कुछ बिजली करंट दौड़ा दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा क्या है, आप सुने हीट, गर्मी दे दीजिए, आपके नीचे लगा दे कुछ भी, कैसे गर्मी दीजिए वो टूट जाएगा। तीसरा वाला क्या है, वो है फोटोलाइसिस, मतलब फोटो जहां भी वर्ड यूज करेंगे ना उसका मतलब होता है लाइट, सनलाइट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोन, फोटोलाइसिस, फोटो मतलब क्या सनलाइट। तो ये तीन चीजें होती हैं, तीनों के लिए मैंने आपको रिएक्शन दिए एक एक बताने के लिए, ठीक है, इसको मैं दो दे दी चलता है, ठीक है, समझाने के लिए। और ये बिलीव मी इतनी ज्यादा आसान है ना रिएक्शन, ये देख के बताओ अरे यार क्या रिएक्शन दे रही, इतनी मुश्किल से कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है, इतनी आसान है ये चीज, देखिए बहुत आसान है, शोल्डर पर थोड़ा वेट हटाइए, बहुत आसान चीज है, देखिए सिंपल वे, ये लेड नाइट्रेट है मेरे पास PbNO3 ट्वाइस, इसको आपने हीट दी, कौन सी थर्मल हीट दी, तो क्या होगा ये क्या बन गया ऑक्साइड PbO, यहां पर क्या बन रहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहां पर ऑक्सीजन। इसको मैंने थोड़ा पिक्टोरियल वे में बताने की कोशिश करी, उसमें मैंने क्या बताया कि टेस्ट ट्यूब है, इसको आपने बर्नर से हीट दिया, यहां पर क्या है क्रिस्टल नाइट्रेट, इसके क्रिस्टल है लेड नाइट्रेट के, और आपने इसको हीट दिया, तो हीट देने में क्या बन रहा है, ये बन रहा है। अब ये तो देखिए
यहाँ पर रहेगा मेरे पास, ठीक है, ऑक्साइड है थोड़े फॉर्म में रहेगा, पेमेंट यहाँ पर रहेगा, लेकिन ये क्या है कि गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप क्या पाएंगे, ये जो गैसेस फॉर्म में है टूट के बाहर निकलने लगेगी ऑक्सीजन, तो आप क्या पाएंगे रेडिश ब्राउनिश कुछ फ्यूम्स ही निकलेंगे टेस्ट ट्यूब से बाहर आती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, टूट रहा है। फर्स्ट रिएक्शन हम देखा क्या, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आपने क्या दिया, हीट दी। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, हीट दिया आपने, थोड़ा चीज टूट के अलग अलग होगी पार्ट्स में। अगला वाले क्या है पास, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये मोस्ट इजीएस्ट है, आप सबको पता होगा क्या इसके अंदर क्या किया जाता है, पानी को तोड़ने के लिए ये हमारे पास होता है क्या ऑपरेटर्स में क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, जो बैटरी से कनेक्टेड होता है, इसमें क्या पाते हैं नेगेटिव वाले पे क्या आता है हाइड्रोजन, पॉजिटिव वाले पे क्या आता है ऑक्सीजन, और वाटर स्प्लिट अप हो जाता है क्या, H2O, 2H2O, 2H2+O2। इजी। अगला वाला है फोटो डिकम्पोजिशन, मतलब सनलाइट दे रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है ना, साइंस के वाले बात है, हर जगह साइंस लग रही है, इसकी साइंस कहाँ लग रही है, ये साइंस लगती है फोटो, जो फोटोग्राफिक होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफीज होती है ना, उनके अंदर क्या होता है, जो फोटोग्राफिक प्लेट्स बनती है ना, वो इन्हीं सॉल्ट से बनती है, तो उन फोटोग्राफीज के अंदर ये वाला यूज किया जाता था पहले, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट अब यूज नहीं करते ना हम लोग। तो उसके अंदर क्या होता है, देखिए Ag होता है सिल्वर का सिंबल, सिल्वर क्लोराइड, नीचे मैंने दिया क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। आप सनलाइट दीजिए क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग, सिल्वर अलग, ब्रोमाइड अलग। तो ये क्या है, रिएक्शन डिकम्पोजिशन, सिंपल। मैंने बोला था ना, देखने में से लगेगा लेकिन कुछ भी नहीं होता रिएक्शन। अब अगला वाला पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो चलिए अब हम जो अगली उस पर रिएक्शन पर आए, उसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नेम से जस्ट, इसका मतलब क्या होगा, कोई किसी को डिस्प्लेस कर रहा होगा, उसकी जगह से हटा रहा होगा। मान लीजिए आपके साथ दो लड़के हैं हस्तपुष से, आप पतले से हैं, दो लड़के आते हैं, ओए विंडो वाली सीट से हट, ए वो यार ज्यादा तगड़े, ज्यादा रिएक्टिव लड़ाके हैं, वो आपको ठगिया पटक देंगे, साइड से सीट से हटा देंगे ना। वही केस यहाँ पर हो रहा है, माइंड ना कीजिए, मतलब आप भी हस्तपुष हो सकते हैं उस केस में, आप किसी को उठा के चल हट यहां से, वो भी हो सकता है। तो इस केस में वही काम हो रहा है, थोड़ा सा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, स्ट्रॉन्गर पर्सन दूसरे को हटा रहा है, वो ही यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है सारा काम। अब देखिए वो कैसे, इसके अंदर मैंने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब ली, एक है टेस्ट ट्यूब ए, एक है टेस्ट ट्यूब बी। अब इन दोनों के अंदर क्या किया, दोनों के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। यहां पर कैसा आएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो क्या, AQ aqueous। और मैंने इसके अंदर क्या किया, आप खुद समझेंगे, मैं आपको बताना चलूंगा कैसे कैसे, जो भी मैंने आपको पीछे बताया ना सबको लेता हुआ चलूंगा यहाँ पर, बिल्कुल सब कुछ। ए टेस्ट ट्यूब, बी टेस्ट ट्यूब, ए टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया, एक थ्रेड से ना नेल को, आयरन नेल को टांग दिया भाई, यहाँ थ्रेड से किसी के सपोर्ट से आपने यहाँ टांग दिया और इधर नहीं टांगा। तो अभी आप समझिए, दो टेस्ट ट्यूब, एक के अंदर कील, समझिए कील को, लोहे की कील को मैंने डाला, एक के अंदर नहीं डाला। अब दोनों का स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, क्या कलर होता है, ब्लू कलर। जब आप 30 मिनट बाद देखेंगे, एक के अंदर आपने आयरन एल डाला, एक के अंदर आयरन एल नहीं डाला, एक को वैसे कंट्रोल लेने की कोशिश करिए कि भाई नॉर्मल जो कलर था उसका वही रखा हो, एक के अंदर क्या किया, उस कलर के अंदर एक लोहे की कील डाल दी बस। आधे घंटे बाद आप क्या देखेंगे, ये जो था इसके अंदर आयरन एल डाला था, इसका कलर धीरे धीरे किसमें चेंज हो गया, लाइटिश ग्रीन कलर में चेंज होता गया, और जो अपने पहले दूसरा टेस्ट ट्यूब बी था उसका कलर शुरुआत में जो था ना ब्लूश कलर, अभी भी वो ब्लूश कलर ही कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन जो दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब थी ए उसके अंदर क्या हुआ, ग्रीन कलर में चेंज हो गया, कंपेयर टू व्हाट बिफोर इट वॉज ब्लूश कलर, नाउ इट इज व्हाट ग्रीनिश कलर। ऐसा क्यों हुआ, तो उसके अंदर मैं क्या देखा, एक क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चला। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे चला, कि जब ने आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला, एक सीरीज होती है रिएक्टिविटी सीरीज, उसकी मैं इमेज आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या होता है, एलिमेंट विच इज मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ओके, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कंपाउंड ये है, यहाँ पर ये एलिमेंट है आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव, सो इट विल रिमूव व्हाट, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, एंड आयरन विल कम हेयर एंड इट विल फॉर्म, सो आयरन विल, आयरन यहां पर आएगा, क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, क्या बना, फेरस सल्फेट बन गया, कॉपर बाहर निकल गया, क्योंकि बेचारा कम था, तो आप क्या ही करोगे, समझ रहे हो, लड़का लड़की थे, दूसरा वाला लड़का आया, उसे अच्छे से अप्रोच किया, स्ट्रॉन्ग था, वो लड़की को लेकर चला गया, बेचारे सिंगल सेट लाइफ, क्या कर सकते हैं, वो भी बेचारे साथ क्या हुआ, रिएक्टिव आयरन आया, स्मार्ट था दिखने में, बेचारे सल्फेट को लेकर चला गया, बेचारा कॉपर ढूंढ रहा है, बेचारा टिप्पल बनाता है, क्या कर रहा है बेचारा जिंदगी, वही काम हुआ। तो क्या हुआ, जब ये चेंज हुआ ना, जब आयरन सल्फेट बना तो कॉपर सल्फेट की जगह पर, तो ब्लू से ग्रीनिश कलर आ गया। तो ये थी हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका ये एग्जांपल आप याद रखिए, बहुत आसान है। अगली बार मैं आपको बताऊंगा डबल डिस्प्लेसमेंट।
तो देखिए आज की हमारी लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको ना मैं कुछ बच्चों को इस तरीके समझाता हूं कि मान के चलिए, इसके लिए मैंने क्लाइंट भी लिखा आपके लिए कि इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, मतलब कि जो इसका सामान था वो इसके पास, जो इसका सामान था वो इसके पास, यानी शफल कर लिया हमने इधर का उधर, इधर का इधर, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान एक एग्जांपल लेकर आया मैं आपके लिए। मैंने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और यहां पर लिया क्या, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया यहां पर, ठीक है, और दोनों को मिक्सअप कर दिया। मिक्स करने के बाद मुझे कुछ रिजल्टेंट मिला। अब वो रिजल्टेंट ही रिएक्शन को बता रहा होता है क्या हुआ। देखिए जब आपने बेरियम क्लोराइड लिया उसके साथ में सोडियम सल्फेट लिया तो आपको क्या मिला, इस रिएक्शन जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर क्या होता है, दो बार एक चीज को कोई और डिस्प्लेस करता है, फिर वहां से कोई और चीज को कोई और डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसमेंट दो बार होती है। तो वो हमको यहां पर देखने को मिला। वो कैसे, देखिए इसके अंदर एनायंस जो होते हैं ना, एनायन, देखिए दो चीज होती है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। एनायन मतलब वो पार्टिकल्स, आयंस, वो आयंस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस केस में नेगेटिव चार्ज इनके पास है, अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे, आपको पता ही है जब स्प्लिट होता तो क्या बनेगा, सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2-, और यहां पर अगर क्लोरीन को हटाएंगे तो क्या, क्लोरीन का आयन क्या होता है, क्लोराइड आयन Cl-। तो इसके अंदर एनायंस का एक्सचेंज हो रहा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर क्या होगा, देखिए यहां से क्लोराइड जो है वो इधर चला जाएगा और यहां से ये जो है हमारा ये आ जाएगा इधर। तो यहां पर क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या भैया, BaCl2 तो निकल गया यहां से, यहां पर क्या आ गया, SO4 यहां पर आ गया, BaSO4 और यहां पर NaCl2। तो मैंने बैलेंस करने के लिए बाहर लगाया NaCl के दो, देख रहे हैं यहां पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो ये वाला हमारा रिएक्शन कौन सा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इस रिएक्शन का देना हम कई लोग क्या करते हैं, इतना पढ़ा चलो चलो खत्म कर, लेकिन नहीं, एक मैंने आपको बताया था ना प्रेसिपिटेट भी चीज होती है, प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन में जो मुझको ये मिलेगा ना बेरियम सल्फेट, ये क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा। यानी कि जब ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ना, ये इसके अंदर कुछ व्हाइट, मतलब छोटा छोटा प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ये सोल्यूबलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कॉमेंट करें, जैसे हर बार करते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।